एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी जैसफुल और स्पिन हियर। एंड तो आप लोग को पता है, जैसे मैंने बहुत सारी मैंने शॉपिंग की थी मिंत्रा पे से, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि एक ही वीडियो में मैं सब कुछ दिखाऊं, बिकॉज बहुत लाइक 2-3 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। मैंने इतनी सारी शॉपिंग की है, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। और वैसे ही मैंने मेकअप तो मैंने अलग अलग कैटेगराइज कर लिया था मेरे सारे प्रोडक्ट्स को। तो ये मेकअप प्रोडक्ट्स का रिव्यू, नॉट रिव्यू बट मेकअप प्रोडक्ट जो मैंने परचेस किए थे, मैं आप लोग को वो दिखाऊंगी। एंड ऑल्सो कि मैंने कितने प्राइस में ये सब लिया था। तो मेरे पास मैक्सिमम अभी फेसेस कैनेडा की प्रोडक्ट्स है, क्योंकि मुझे वन ब्रांड मेकअप भी बनाना था और मैंने बना लिया है वन ब्रांड मेकअप। डू चेक इट आउट दैट, मैं उसी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम फेसेस कैनेडा से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सारे प्रोडक्ट्स दिखा दूंगी आप लोग को फेसेस कैनेडा का। तो ये है फेसेस कैनेडा का मस्कारा, जो मुझे जो ये इसका रिटेल प्राइस है 399, और मुझे वो आया था इतने में। और एल्स आई डू वन थिंग, मैं ना दोनों भी प्राइजेस यहाँ पर मेंशन कर दूंगी कि वो रिटेल प्राइस कितना है और मुझे कितने में आया था। सब कुछ मुझे कुछ अराउंड फेसेस कैनेडा का अराउंड 25-30% ऑफ में मिला है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी वो सारा कुछ, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये है मस्कारा, जो कि मैंने टेस्ट किया है मस्कारा खोल के, मीन्स अप्लाई करके मेरे वन ब्रांड मेकअप में। तो उस पर मैंने सारा रिव्यू दिया है कि मुझे कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे लगे और कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगे। तो आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना वो वीडियो, थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाएगी आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये है मस्कारा, एंड देन आई गॉट दिस काजल, और ये है आईलाइनर। हाँ, आईलाइनर है ये। और इसके बाद मैंने, मेरे पास है ये कॉम्पैक्ट फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट, जो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था। और इसका शेड है सैंड, ओके। तो ये मेरे स्किन टोन पे थोड़ा सा डार्क था, तो आप लोग अगर मेरे स्किन टोन के हो गए तो एक शेड लाइट लेना, सैंड मत लेना, थोड़ा सा आपके लिए डार्क हो जाएगा, ओके। और नाउ आई हैव दिस फाउंडेशन इन शेड ऑफ बेज, और ये फाउंडेशन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो आप लोग देखना, अगर आप लोग को डेली यूज़ के लिए कुछ फाउंडेशन चाहिए तो मे बी उसके लिए ये ठीक होगा, बट बेज मेरे लिए थोड़ा सा लाइट था, लाइक वन शेड लाइट था, तो थोड़ा सा आप लोग आपके अकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है। नाउ आई हैव दिस ब्राउ पेंसिल, और ब्रो पेंसिल भी ये अच्छी थी, लाइक 500 का रिटेल प्राइस है, बट आप लोग को कोई ना कोई ऑफर में मिल ही जाएगा, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस। इसका शेड था मेरा डार्क ब्राउन, एंड प्राइमर फेसेस कैनेडा का, जो कि बहुत अच्छा था, प्राइमर प्लस मॉइस्चराइजर, काफ़ी अच्छा प्राइमर था ये वाला भी, तो ये वाला भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड द अदर प्रोडक्ट इज फेसेस कैनेडा का मेकअप फिक्सर, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, बट प्राइस 650 का कुछ था ये, तो थोड़ा सा हायर एंड में लगा मुझे कि इससे भी अच्छे लाइक 450 में मिल जाते हैं, बट 600 आप लोग को अगेन ऑफर में मिलेगा कुछ 500 और 550, तो ठीक है, उतने में तो हमें दूसरा भी मिलता है, तो ले सकते हो आप लोग ये भी, ओके। एंड हाँ, फेसेस कैनेडा का ऑल टाइम प्रो स्टेरी आईज द अल्टीमेट 18 आई शेडोज, ये है आई शेडो पैलेट, इसमें 18 शेड्स मिलते हैं, और इसके शेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये हाईली रिकमेंडेड है, बिकॉज मैंने इसको यूज़ किया है और इसके शेड्स बहुत ही प्यारे शेड्स थे, और बहुत ही हाईली पिगमेंटेड और बटरी स्मूथ, बहुत अच्छा पैलेट है ये। और क्या बस, तो ये वाला भी एक चेकआउट कर लेना अगर आपके बजट में आता होगा तो, मस्ट बाय इट। एंड द अदर प्रोडक्ट्स विच आई हैव इज थोड़े, अच्छा मैंने लिपस्टिक्स नहीं दिखाया ना, तो मेरे पास ये एक लिपस्टिक है जो कि डिवाइन मुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा शेड है ये वाला भी, मैं स्वाचेस करके दिखाती हूँ आपको, ये शेड कुछ ऐसा दिखेगा। स्टिक इज जंगल रेड, और ये रेड कलर की लिपस्टिक है, लाइक
डार्क रेड कलर की लिपस्टिक है, ये है स्वॉचेस का हॉट प्लम और ये ऐसा है एंड इसका स्वॉच ऐसा, जो कि मैंने अभी भी अप्लाई किया है. नाउ अभी मेरे सारे प्रोडक्ट्स हो चुके हैं फेसेस कैनाडा के. अभी दूसरा हम लोग देखते हैं. मैंने लिया है ये कलर मेट मी एज आई एम. तो इसकी पैकेजिंग तो बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है इसकी. इसको ओपन करते हैं. ओके तो ये ऐसा ओपन होता है और इसके अंदर एक पेंसिल है. तो इसका शेड है, मैंने इसका शेड 002 सैबॉट एज और ये भी थोड़ा सा ना थोड़ा सा ब्राउन लग रही है मुझे. ये देखते हैं, वाओ बहुत अच्छी लिपस्टिक है. क्योंकि मैंने जब जैसा अप्लाई किया था, जैसा एक स्ट्रेट लाइन लिया था, तो बहुत ही स्मूथ था ये. और इसके अंदर और एक चीज है, आई डोंट नो क्या है. ओके तो ये शार्पनर है, इसके साथ शार्पनर आया है, बहुत ही जो कि बहुत ही अच्छी बात है. शार्पनर ऐसा शार्पनर आया है ये. और ये मैंने लिया है मेबलिन न्यूयॉर्क का फिट मी कॉम्पैक्ट 230 नेचुरल बफ शेड में. एंड देन आई गॉट दिस रेनी 5 5 इन 1 न्यूड लिपस्टिक. ये न्यूड लिपस्टिक्स का है, मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया. आई डोंट नो कि ये कैसा प्रोडक्ट है. इसका मैं अलग से एक रिव्यू करके मैं आप लोग को बताऊंगी कि ये अच्छा है या नहीं. आई डोंट नो, मैंने ऐसे ही मंगवा लिया था. लेट्स सी ये कैसा होगा. बिकॉज मुझे है थोड़ा सा न्यूड लिपस्टिक्स अच्छे लगते हैं मुझे, थोड़े से सेटल रहते हैं, ऑफिस यूज रहता है. मैं ये सेपरेट वीडियो में दिखाऊंगी इसका रिव्यू, मुझे पसंद आया या नहीं आया. बट दिखने में तो बहुत ही अच्छे शेड्स दिख रहे हैं इसमें, लाइक ब्राउन न्यूड, ये पता नहीं है कौन सा न्यूड है. ये पिंक में न्यूड है, थोड़ा सा पर्पल में न्यूड है, ये अगेन हॉट पिंक में न्यूड है. तो दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं. बट स्टिल लेट्स सी, लेट्स टच दिस इन अनदर वीडियो. और नाउ आई हैव कलर बार का वाटरमेलन लिप बाम विथ SPF 15. तो मुझे सबसे अच्छा लगा है कि इसमें SPF 15 है एंड ऑल्सो एनरिच विथ शिया बटर टू हेल्प हील ड्राई चैप लिप्स. जो चैप लिप्स मीन्स जो पपड़ी जम जाती है उसको बोलते हैं, तो ये हेल्प करता है उसे. तो अगेन आई डोंट नो ये कितना अच्छा है. आई विल सी कि उसका भी अलग से एक वीडियो नो रिव्यू वीडियो बनाऊं देखने के लिए ये कितना सही है, लाइक कितना क्लेम करता है जो लिखा हुआ है. तो गोइंग फॉरवर्ड आई हैव दिस मेबलिन का काजल, ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे. लाइक मैं स्टार्टिंग से जब से मैं काजल यूज़ कर रही हूँ, ये दिस वॉज माई फर्स्ट काजल. तो ये बेसिक काजल है जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ. वैसे तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ काजल, बट जब भी यूज़ करती हूँ मैं मेबलिन का काजल प्रिफर करूँगी. एंड देन आई हैव मेबलिन का फाउंडेशन, मेरा फेवरेट फाउंडेशन. मैंने ये शेड, इसकी शेड है जस्ट अ मिनट गाइस, ओके इसकी शेड है 220 नेचुरल बीच. और मैंने एक नहीं, मैंने तीन फाउंडेशन मंगाए हैं बिकॉज ये 45-50% का कुछ यू नो 45% ऑफ चल रहा था. तो मैंने इसके तीन पैक्स मंगा लिए थे. ये भी फाउंडेशन ही है पर थोड़े थोड़े से अलग शेड में मंगाए हैं आई बिलीव. हाँ और ये है 128 वार्म न्यूड और ये था नेचुरल बेज. और एक फाउंडेशन मैंने मंगवाया है दिस वन मेबलिन का फिट मी इन द शेड वार्म न्यूड है
नेल पेंट्स कलर बार के, ये मेरे फेवरेट नेल पेंट यू नो कलर बार का है, बहुत ही अच्छा नेल पेंट है ये. मीन्स ये मैंने ब्लैक में मंगाया है, ये मैंने पिंक में मंगाया है, और ये मैंने ब्लू में मंगाया है. ओके वैसे तो पिंक मैंने मेरे पास बहुत सारे हैं, बट ये मैंने मेरे सासू मोम के लिए मंगाया है. वो ज़्यादातर नो पिंक कलर लगाते हैं, तो उनके लिए मंगवाया था मैंने. और इसका बहुत अच्छी यू नो क्या बोलते हैं इसको, टिप बहुत अच्छी रहती है इसकी. एकदम जेड ब्लैक, बहुत अच्छे कलर्स है इसके. तो ये, और ये है स्विस ब्यूटी का अगेन पिंक शेड में. ओके तो ये पिंक और ये पिंक थोड़ा सा यू नो डिफरेंट है. तो कलर बार के जो नेल पेंट्स रहते हैं वो मुझे ज़्यादातर इसलिए पसंद क्योंकि इसमें यू नो केराटिन आती है एंड आलमंड ऑयल भी रहता है, जो कि अपने नेल्स को यू नो और येलो होने से बचाता है. मीन्स पता नहीं, मैंने बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स के भी मैंने नेल पेंट लगाया था, बट वो है ना येलो हो जाते थे. आई डोंट नो क्यों हो जाते थे, मतलब मेरे नेल्स ख़राब हो जाते थे. वो पता नहीं वो उसके उसको जब मैं रिमूव करते थे ना तो येलो हो जाते थे नेल्स. तो जब से बट यही एक ऐसा नो नेल पेंट है जो विथ कैरेटीन एंड आलमंड ऑयल के साथ आता है. और एक के बाय कैटरीना का भी नेल पेंट बहुत अच्छा है, वो भी मैंने यूज़ किया है, वो भी काफ़ी अच्छा है. और मैंने ये और एक मंगाया था, ये कोई ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है बट ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, जो कि मैजिकल फैशन टेप. अभी आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये जो मेरा ड्रेस है दिस इज सपोज टू बी लाइक दिस, पता नहीं क्यों ऐसे फोल्ड हो जा रहा है. ये ऐसा इसको ऐसा रहना है. ओके तो आई डोंट नो ये फोल्ड क्यों हो जा रहा है. तो ये जो टेप है, ये दिस टेप इज माई रेस्क्यू. तो ये बेसिकली ऐसा आता है, तो ये ऐसा है ये टेप, ठीक है. अभी इसको हम यहाँ से कट हो जा कट करेंगे, कट हो गया है ये, और इसको हम तो ये निकल चुका है. ये सेम डबल टेप जैसा रहता है, हम जो बलून्स लगाने के लिए यूज करते हैं वैसी ही है, बट थोड़ा सा इसका साइज, इसका जो क्या बोलते हैं बट ये थोड़ा सा पतला है, वो बहुत बहुत ही ज़्यादा मोटा रहता है, बट ये थोड़ा सा पतला है. तो अब मेरा टॉप नहीं हिलेगा, जैसे लुक एट दिस. तो अब ये लग रहा है थोड़ा सा क्लीन, जस्ट अ मिनट आई विल शो यू. सी तो ये हो गया है फिट. सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो. आई होप आप लोग को थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ होगा जो भी ये इशू से फेस करते थे. लाइक आप कैसे भी इसको अटैच कर सकते हो, ये कुछ नहीं है, बस डबल टेप है, बट ये क्लॉथ टेप है, तो ये क्लॉथ को इतने इजीली चिपक जाएगा ना, स्टिक हो जाएगा. तो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन प्लीज़ hit like button and also subscribe to my channel. See you guys in my next video. Till then, bye.